બારડોલી ખાતે આવેલા ઉકા તરસાડીયા યુનિવર્સિટીમાં 82 વિદ્યાર્થીઓનો રેપિડ ટેસ્ટ કરાતા તેમાંથી 14 વિદ્યાર્થીઓને કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા આરોગ્ય તંત્રમાં દોડધામ મચી જવા પામી છે। હાલમાં કોરોનાના કેસમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે સુરત શહેરની સાથે સાથે જિલ્લામાં પણ કોરોનાના કેસ ન વધી રહ્યા છે, જેને લઈને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ઉકા તરસાડીયા યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થીઓના રેપિડ ટેસ્ટ કરાતા 39 વિદ્યાર્થીઓનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા તમામ વિદ્યાર્થીઓને હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવ્યા છે। मैं ग्रामवासी के हिसाब से कहना चाहता हूं कि हमारी पंचायत की जो वस्ती है और जो कुटुंब है उसके हिसाब से हमारी ग्राम सभा में यहां के ग्रामजन कम उपस्थित मुझे लगे, ताकि मैंने ग्राम सभा से रजूआत किया कि मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय ऐसा है कि इतने ही ग्रामजनों में हर कोई ठहराव पारित कर लेना मुझे व्यक्तिगत उचित नहीं लगा। इसीलिए मैंने ग्राम सभा को रजूआत किया कि इतने ही यानी कि हमारी पंचायत की टोटल वस्ती पंचायत के बोर्ड के हिसाब से 11,610 है और हमारे पंचायत में 2,490 कुटुंब है। उसके बाद भी अगर पंचायत में 100 या 150 या 200 ही लोग उपस्थित रहते हैं तो मेरे ख्याल से जो भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो पब्लिक के संपूर्ण हित में नहीं जाएगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना था। इसीलिए मेरी आग्रह थी कि दोबारा ग्राम सभा बुलाई जाए। आपका पूरा नाम? मेरा नाम राजेंद्र भाई जानिया भाई पटेल, अथाल चिराफलिया। एक्चुअली जो डेटा है वो अधिकारी लोगों को देना चाहिए, मेरा ये पर्सनल मानना है, क्योंकि इनके पास टोटल संसाधन है, गाड़ियां हैं, हमारे टैक्स से चलाते हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी ग्राम सभा का सदस्य जो भी डेटा मांगेगा अवेलेबल कराना चाहिए, या 2 घंटा लगे या 3 घंटा लगे। और जिस डिपार्टमेंट से कोई अधिकारी लेटर दिया नहीं आ रहा है, इनका सक्षम अधिकारी को भेजना चाहिए, ये ग्राम सभा का प्रावधान है। और आज की जो ग्राम सभा है वो जो ग्राम सभा की मेजोरिटी होनी चाहिए वो हुई नहीं, तो जागरूक नागरिकों ने मिलकर प्रस्ताव रखा कि भाई ये ग्राम सभा अगर पारित नहीं होती तो किस आधार पर मुद्दों पे हम ग्राम सभा को कोरम करेंगे। तो ग्राम सभा कोरम नहीं हुआ इसलिए स्थगित किया है, और ये अगले 18 तारीख को गांव के बीच में ग्रामजनों ने मिलकर रखी है। ये तो पंचायत की जिम्मेदारी है ग्राम सभा ग्रामजनों को बुलाने के लिए, तो पंचायत यहाँ क्या है, पंचायत फेल है, ग्रामजनों के साथ में नहीं काम कर रही है बराबर? जितनी पंचायत की बात करो तो पंचायत के हर सदस्य अच्छी तरह काम कर रहे हैं, और मेन बात ये है कि किस मुद्दे पे ग्राम सभा रखी है गांव के बीच एजेंडे में लेना चाहिए और गांव के बीच में रखना चाहिए कि आपके हाजिरी से आपके एरिया का विकास का काम का प्लान बन रहा है। ये सीधी सरल भाषा में हमारे आदिवासी समाज को यहाँ के सरपंच यहाँ की सब जानकारी ग्रामजनों को नहीं दी गई क्या कि ग्राम सभा यहाँ आज? मेरा ये मानना है कि ये जो ग्राम सभाएं होती हैं हर जगह पे, तो ग्राम सभा हो ही नहीं रही है क्योंकि एजेंट पे काम नहीं करते हैं, ग्राम सभा होती नहीं है, ये परिपत्र देके छोड़ देते हैं। और डिपार्टमेंट जो भी रखता है तो ग्रामजनों को भी मिलकर ये सब सारी बातें माहिती करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, जो मंत्री यहाँ सरकारी है वो उसके सहायक में धर्मेंद्र भाई है, तो उसके धर्मेंद्र भाई के ऊपर काफी ग्रामजनों ने आवाज उठाई मंत्री के ऊपर, ऐसा मंत्री हमें नहीं चाहिए जो असिस्टेंट रखे काम नहीं हो सके। देखो उसके ऊपर क्या कहना? धर्मेंद्र भाई का मुझे जो जानकारी है, धर्मेंद्र भाई को वाटर सप्लाई के लिए रखा है। अब काम क्या करते हैं वो मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं हर बार पंचायत पार तो नहीं हूँ। और दूसरी बात मंत्री की आई है, तो मंत्री जो है वो जो ग्राम सेवक से मंत्री बने हैं, या तो अनुभव कम है या तो फिर कोई और भी वजह हो सकती है, वो मुझे पता नहीं है। तो लेकिन क्या मांग है कि लेकिन मंत्री यहाँ चाहिए आपको? सबसे सक्षम पंचायत में गिनी जाती है, विकास के लिए सबसे पहला दायरा हमारा पंचायत मंत्री होता है, जो डिपार्टमेंट से विकास के काम लाते हैं, हर बात का यहाँ से अगर ठहराव भी होता है कि पंचायत समिति चेयरमैन जीनेश भावसर अमरा मऊआ तालुका हेल्थ ऑफिसर ने भी सूचना मिलता 2-3 छोकरा पॉजिटिव आया है, ये सूचना मिलता अनुसार गाइडलाइन मुजब इमने अहीं रेपिड टेस्ट करवामां आव्या था, जेमां सवारे 14 छोकरा छोकरीओ पॉजिटिव आव्या था रेपिड टेस्ट में,
એ અનુલક્ષીને પ્રાણ સાહેબને ઉપલા અધિકારીઓને જાણ થતાં હોસ્ટેલમાં રહેતી બીજી છોકરીઓનું બી ટેસ્ટિંગ ચાલુ કર્યું હતું. આ સાંજથી ચાલુ કરેલા ટેસ્ટિંગ અત્યાર સુધીમાં 300-350 જેવા ટેસ્ટિંગ કર્યા છે ને 25 છોકરી જેવી અત્યારે પોઝિટિવ આવી છે. એમને હાલ હમણાં કોઈ તકલીફ છે નથી, પરંતુ પોઝિટિવ આવ્યા હોવાથી સરકારી ગાઈડલાઇન મુજબ એમને અહીંયા હોસ્ટેલમાં જ વ્યવસ્થા કરી હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરવાની પ્રયાસો ચાલુ થઈ રહ્યા છે. એમને હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવ્યા છે, એમના વાલીઓ પણ આવ્યા છે. હવે આવતીકાલે સવારે સરકારી ગાઈડલાઇન મુજબ મોટા અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરીને એમના વાલીઓને સુગત કરવાના હશે, તો વિદ્યાર્થીઓને એમના વાલીઓને સુગત કરવામાં આવશે. ત્યાં પછી અહીંયા જ હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરીને એમની જે કંઈ બી સારવાર કરવાની થતી હશે એ સારવાર કરવામાં આવશે. અચ્છા, વાલીઓની માંગ છે કે ભાઈ હાલ જ તેઓના જે વિદ્યાર્થીઓ છે, તેઓના બાળકો છે, તેઓને લઈ જવા માટેની માંગ છે, તો આપ દ્વારા કયા પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે? હાલ અત્યારે રાતના 10 વાગ્યાનો સમય થઈ ગયો છે, એવી કોઈ સુવિધા છે નથી કે પોઝિટિવ પેશન્ટને એમના ઘરે એમના વાલીઓને સોંપી દેવાય, એમનો ચેપ એમના વાલીઓને કે એમના પરિવારના બીજા સભ્યોને પણ લાગે. માટે હાલ તો અત્યારે રાત પૂરતો આખી રાત અહીંયા એમને હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવશે. આવતીકાલે સવાર પડતા કલેક્ટર સાહેબને મારા ઉપલા અધિકારીઓ જોડે ચર્ચા કરી એમાં યોગ્ય નિર્ણય કરી જે તે વાલીઓને આ યોગ્ય સાધનો સાથે એમને એમના ઘરે કે હોસ્પિટલ જ્યાં બી પ્રિફર કરવાના થશે ત્યાં એમને રિફર કરવામાં આવશે.